सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि 1 जुलाई के बाद जिसके पास भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरे तरीके से भारत में बैन लगा दिया गया था। और ये कहा गया था कि जो जिसके पास अब उपलब्ध है वो बंद कर दे, क्योंकि उसकी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, वो जब्त कर लिया जाएगा और साथ में ही आप पर फाइन जो है वो थोप दिया जाएगा। और जम्मू में उसके आप झलक भी देख रहे हैं कि लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके पास भी स्ट्रॉ मिलता है या प्लास्टिक वैसा है जो सिंगल यूज है जिसे बैन किया गया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये अधिकारी वो आए हैं जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये पूरा जो प्लास्टिक है जिसमें गिलास हैं, गिलास देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ें जो भी प्लास्टिक की हैं जिसमें स्ट्रॉ भी होगा, ये सब जो है अभी अभी सुबह सुबह जब्त किया गया है। और जिस जगह से ये जब्त किया गया है, जहाँ पर पहले बिग बाज़ार था, अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन बिग बाज़ार के बाहर जो फूड पॉइंट बनाया गया है उसी फूड पॉइंट से ये सुबह सुबह जब्त किया गया। और जब हमने जो ऑफलाइन यहाँ के जो ये छापा मार रहे हैं, जो रेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सामने प्लास्टिक रखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, यही वो शॉप है, ये फूड पॉइंट है जहाँ पर प्लास्टिक जो है ये पूरा जब्त किया गया है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि कार्रवाई लगातार जो है जम्मू सिटी में की जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी कोई भी, क्योंकि अभी जो ये रेड की है, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ विजिट कर रहे हैं, सरप्राइज़ हमारी जो है रेड है, पहले नहीं हमें कुछ भी, क्योंकि कहीं से अगर शिकायत आती है वहाँ पर भी रेड कर रहे हैं, और वैसे भी हम विज़िट कर रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि प्लास्टिक जो है, इस तरह का प्लास्टिक जो है वो हो सकता है। ये बार बार हमने आपको पहले भी दिखाया था, 1 जुलाई से पहले भी दिखाया था कि इस तरह का प्लास्टिक जो ग्लास देख सकते हैं, ये कहीं भी अगर आपको मिलेगा, यानी कि जहाँ भी अधिकारी होंगे उनको मिलेगा तो ये बैन तो है ही, आप पर कार्रवाई भी होगी। ये देखिए, ये बाउल, ये कोलियाँ छोटी छोटी हैं, ये भी पकड़ी गई हैं, इनमें कुछ स्ट्रॉ है जो नीचे दबे हुए हैं। और भी कार्रवाई, ये कह रहे हैं कि आज हम अलग अलग जगह पर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर सरप्राइज़ करेंगे अगर वहाँ पर पता लग गया, या विज़िट करेंगे वहाँ पता लग गया तो वो छुपा देते हैं, इसलिए हम सरप्राइज़ विज़िट करते हैं और रेड कर देते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अब जिसके पास ये पकड़ा गया है उनसे फ़ाइन भी वसूला जाएगा, और फ़ाइन मिनिमम, ये कह रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम फ़ाइन जो है हम 20,000 जो है वो रिकवर कर रहे हैं। यानी कि ये प्लास्टिक जो आप रखने वाले हैं इसके लिए आपको 20,000 रुपये फ़ाइन जो है वो अधिकारियों को देना पड़ेगा। अभी ये भी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशन भी होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने रखा है एक बार उससे हम नेगोशिएशन करते हैं कि चलिए 20,000 नहीं, हम आपको फ़ाइन तो लगना ही लगना है, उससे थोड़ा कम लग जाएगा, हो सकता है कि नेगोशिएशन में 10,000 कर दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि मिनिमम हमारा 20,000 होता है। जो जिसका ये ऑनर है, जिसने रखा हुआ, अगर कुछ कहता है कि रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी होता है, तो हम थोड़ी सी उसे ढिलाई देती है, लेकिन ये जब्त भी होगा और फ़ाइन भी लगेगा, हज़ारों में फ़ाइन लग रहा है। और इसलिए किसी के पास भी अभी भी है, बार बार, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम इन लोगों पर लग रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानों पर जाकर, रेडियो पर जाकर ये जब्त कर रहे हैं, उनका काम खाम है जो, क्योंकि जो बड़ी जगह हैं, बड़े जहां पर इनको जाना चाहिए रेड करने के लिए, वहां नहीं जा रहे हैं। तो आज इस पॉइंट, जो फूड पॉइंट है, वहां पर भी इन्होंने जो जब्त है वो किया है, और यहां पर आप देख सकते हैं नेगोशिएशन की जा रही है फ़ाइन को लेकर। सिंगल यूज प्लास्टिक टोटली बंद हो सर, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर अधिकारी आप देख सकते हैं, इनके बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं रसीद जो है ये फाइन की काटी जा रही है, और यहाँ जो ऑनर है वो भी बातचीत लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, और सीधे देख सकते हैं ये पर्ची जो है इनकी काटी गई है। ये तो ले में किस चीज हो गया सर, फर्स्ट टाइम नोटिस दे दीजिए सर, हमें नोटिस नहीं होती, प्लांटी कंपाउंड होता है, नोटिस नहीं होता। क्या नाम है जनाब? पूरा नाम बताएं। नहीं, पूरा नाम बताएं। तो ये देख सकते हैं लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन जो 1 जुलाई से कहा गया था, जहाँ जहाँ पर भी मिल रहा है इस तरह के सरप्राइज़ विजिट जो है वो किए जा रहे हैं, प्लास्टिक भी जब्त होता है और साथ में फ़ाइन जो है वो भी किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं इनके जो बड़े अधिकारी वो भी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी इनकी तरफ से जो प्लास्टिक मिला है ये देख सकते हैं। जिस तरह से आप सिटी एरिया में या कहीं भी कोई भी जानकारी इन तक पहुंचती है या सरप्राइज़ विजिट के दौरान इस तरह की प्लास्टिक मिलता है तो वहां पर ये ऑनर
कार्डबोर्ड ग्लासेस यूज कर रहे हैं, पर जो इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि अप्रूव किया करवाया हुआ हमने। अगर आप कहते हो तो हम दादाजी कौन सी इंडस्ट्री ने माँ वैष्णो पैकर्स है सर, रेडी में कहाँ दिया आपको? अब मैं आपको बिल दे देता हूँ सर उनका, हम तो सब सब जो भी हमारा चाहिए मुझे अप्रूव किया हुआ बताइए। हाँ वो कह रहे थे अप्रूव है सर हमारा, क्योंकि फिर हमारे जो पॉलिथीन है वो भी अप्रूव है सर जो यूज कर रहे हैं हम। इसीलिए सर मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको बिल दे देता हूँ उनका, उनका अप्रूवल दे देता हूँ आपको। आपको बिल दे देता हूँ वो सब हमारा सर अप टू द मार्क है सर। अब फर्स्ट टाइम हमें एक हमें नोटिस दे दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम, हम एजुकेटेड बिजनेसमैन है सर, हम कोई वो है सर। मैं एक महीने से आप लोगों को बुला के अपने कमरे में सर, एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर, जितनी भी एसोसिएशन आपकी है ना सबको बुला के मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। एक महीना 1 जुलाई से बैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी इंडिया में किया हुआ है सर, और उसके पहले एक महीना हमारे लगातार ड्राइव चल रहे थे, सिर्फ समझा रहे थे भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हमारे नाली नालियों में जा रहा है, बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात आ चुकी है और सारा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, और गॉड से इसको यूज़ नहीं करो। इवन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं बोलता हूँ पानी की बॉटल बैन तो नहीं है, मैं तो वो भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग जो है नहीं यूज़ करें, क्योंकि पी के लोग जो है वो सीधे नाले में फेंकते हैं, नाली में फेंकते हैं और उसमें नाले सारे भर जाते हैं। तो और आपका तो रेस्टोरेंट है तो उसमें तो काम नहीं है पिछले 6 महीने से, मॉल इज टोटली क्लोज, फिर भी हमने SOPs पूरे मेंटेन रखे हैं सर। इफ यू अगर आपने सरप्राइजली विजिट किया होगा, बट फर्स्ट टाइम यू केम अवर प्लेस, हमें एक बार मौका दे दीजिए ताकि हमारे बिजनेस सरप्राइज ही हैं सरप्राइज होंगे सर। एक यंग जनरेशन को एक मौका मिलना चाहिए ताकि इस देश को अवेयर हो। इन्होंने कहा कि इनके पास बिल है, उस पे आप देख सकते हैं कि लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है, सिंगल प्लास्टिक यूज पर जो कार्रवाई जो है की जा रही है उस चीज को देखते हुए अधिकारी जिनको सरप्राइज विजिट के लिए भेजा जाता है, अगर कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक है वो मिलता है तो जब्त किया जाता है और फिर बड़े अधिकारी आते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन भी कहा जा रहा है कि 20,000 मिनिमम अमाउंट जो है वो फाइन की भरी जाएगी, क्योंकि जो जिनका ये रेस्टोरेंट है जिन्होंने ये फूड पॉइंट खोला है वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हुए अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमसे हुआ है, हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये पहले ही बहुत बार मीडिया में बताया गया है कि किसी के पास भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिलेगा तो कार्रवाई होनी तय है, और इस यहाँ पर भी जो ऑनर है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी बातचीत का दौर जारी है, दोनों ओर से बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फाइन कम से कम जो है जो ऑनर है वो ये कह रहे हैं कि हम पर फाइन ना कम से कम थोपा जाए, फाइन में कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन अधिकारी ने कह दिया है कि फाइन तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले से बताया गया, अभी भी अगर इस तरह से करेंगे, अगर आपको छोड़ देंगे तो कहीं अगर आगे जाएंगे तो इस तरह से, क्योंकि मीडिया के सामने चीज़ें आ चुकी हैं और कोई भी देखेगा कहेगा कि इनको छोड़ा गया तो हमें भी छोड़ा जाए, फिलहाल बातचीत का दो जारी है और 20,000 मिनिमम अमाउंट कही गई है, और हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी आपको अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करता हुआ दिखता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो उसे अब यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कार्रवाई आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।